सोच कर आए? हम सोच के आए कि अभी यहाँ बहुत बड़ा कंपटीशन रेसलिंग का बहुत बड़ा कंपटीशन हम कराएंगे, आज चौधरी साहब से हम उसकी परमिशन लेंगे और फिर ही मैट गेर के और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के पहलवान बुला के उनका बहुत बड़ा कंपटीशन, क्योंकि हम सब किसान हैं, सबसे पहले हम किसान के बेटे हैं। है नम्रता पूर्वक अहंकार को त्याग कर किसानों की बात सुने और उनको सम्मान के साथ उसको पूरा करें, यही मैंने उससे कहा। यह सरकार के हित में भी है और समाज के हित में है, देश के हित में है कि सरकार नमस्कार, मैं बिलाल राजपूत और इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर, जहां पे आप देख सकते हैं किसानों के साथ, सिर्फ किसानों का ही साथ नहीं है, हर उस लेवल पर हिंदुस्तान के लिए मेडल ला सकता है तो किसानों का साथ गाजीपुर बॉर्डर देने भी आ सकता है। ऐसे ही मेरे साथ कुछ खिलाड़ी भाई मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये जितने भी लोग हैं खिलाड़ी हैं और ये किसान भाइयों का समर्थन न गाजीपुर बॉर्डर आए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इनके मन में चल रहा है और ये गाजीपुर बॉर्डर क्यों पहुँचे। जी अंकल जी, हाँ जी, आप कहाँ से आए? हम मुजफ्फरनगर से आए जी। अंकल क्या नाम है आपका? युधिष्ठिर पहलवान। तो अंकल जी आप पहले तो ये बताइए, आप थोड़ा ये बताइए आपने पहलवानी कहाँ की, किस लेवल पे की, मेरे समर्थन दर्शक? मैंने गुरु हनुमान अखाड़े में प्रैक्टिस की और योगेश्वर सुशील दत्त सुशील पहलवान है, वे हमारे साथी रहे, अनुज चौधरी यूपी पुलिस में CO है और अपना पचंडा कला में जो है भारतीय खेल प्राधिकरण का स्टेडियम चला रखा हमने कुश्ती का, रेसलिंग का। तो अंकल जी आप यहाँ क्यों पहुँचे, कब पहुँचे? मैं यहाँ 2 बार पहले रह के जा चुका, 4-4 दिन का कैंपेन करके, अब फिर 3 बार अब फिर आया। तो क्या सोच कर आया अब? किसान मजदूर और खिलाड़ी सब अगर मजबूत होकर लड़ेंगे तो संगठन एक मजबूत होता है और हमारी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, मोदी जी के कानों में जानी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी मेहनत करता है बहुत ज़्यादा, सुबह 4 बजे खाट पर से उठ के मेहनत करता है और किसान और मजदूर, ये 3 वर्ग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मिट्टी में, तो ये अगर इनका संगठन मिलके और मजबूती से लड़ेगा तो इनकी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी। तो आप यहाँ आए हैं और किसानों का आप साथ दे रहे हैं, 8 तारीख को बात होनी है और 8 तारीख को भी सरकार इनको एक और डेट दे देती है, तो फिर आप क्या करने वाले हैं, क्या सोच कर आए? हम सोच के आए कि अभी यहाँ बहुत बड़ा कंपटीशन रेसलिंग का बहुत बड़ा कंपटीशन हम कराएंगे, आज चौधरी साहब से हम उसकी परमिशन लेंगे और फिर ही मैट गेर के और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के पहलवान बुला के उनका बहुत बड़ा कंपटीशन, क्योंकि हम सब किसान हैं, सबसे पहले हम किसान के बेटे हैं, उसके बाद हम खिलाड़ी बने, तो हम भी अपना यहाँ वर्चस्व दिखाए गए कि भाई हम बावड़े नहीं हैं और मोदी जी को सुध होनी चाहिए कि भाई हम सब ने मिल के वोट किया था मोदी जी को, तो उस अहदे का मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए। किसान आज परेशान है और वो धरती पे जमा हुआ है, दिल्ली के इधर गिर्द चारों तरफ जमा हुआ है, इतनी बरसात इतनी ठंड में जो है किसान यहाँ जमा है, जब किसी को परेशानी होती है दिक्कत होती है जब भी वो घर से बाहर निकलता है। देखिए आप किसानों के साथ आए हैं कि जिसको परेशानी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तभी वो घर से बाहर होता है, ऐसे ही हजारों की तादाद में यहाँ पे किसान मौजूद हैं, आप उनका समर्थन देना है, आप कोई लास्ट संदेश अगर सरकार को देना चाहें? हाँ जी भाई, सरकार हमारी बात सुने और उन्हें सूद मिले, इस बात ही कहना भाई, कोई परेशान व्यक्ति जो है दिल्ली के इधर गिर्द परेशान होकर आया है तो उनकी बात सुने, उनमें सुधार करे और ये कानून वापस ले, सब चीज़ें ठीक होगी। तो आपके साथ और कोई भी पहलवान है जो आपके साथ आए हो? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आज एक बार बताइए, हम उनसे ही बात करना चाहते हैं। देखिए एक और पहलवान साहब है, एज देखिए, एज भले ही कम हो गई हो पर हौसला कम नहीं है, हौसला बरकरार है और किसानों का साथ देना, ऐसे ही एक और पहलवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी अंकल जी, कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ डिस्ट्रिक्ट मेरठ से जी। हाँ, सिटी तो, में रहता हूँ जी जी। हाँ, और किसान और मजदूर का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ भारत सरकार को भारत के किसानों की बात मान लेनी चाहिए, जो किसान देश का अन्नदाता है, सब कहते हैं अन्नदाता है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, और सब कहते हैं हम किसान के हित में है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, तो सरकार जो जिद कर रही है वो जिद छोड़ देनी चाहिए, ये इसमें जो किसान है हमारे वो एक हनुमान जी की लड़ाई लड़ रहा है, सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा है, जैसे हनुमान जी ने राम के लिए लड़ाई लड़ी थी निस्वार्थ भाव से, ऐसे ही किसान सबके लिए लड़ाई लड़ रहा है निस्वार्थ भाव से। मैं तो सभी से कहता हूँ, सभी युवाओं से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, कि किसान आज सबके लिए लड़ाई लड़ रहा है, सबको सहयोग करना चाहिए, जितना समय उनको निकाल सके, 1 घंटा, 1 दिन, 1 रात उनको धरने पर आके इस बात का समर्थन करना चाहिए, और सरकार से भी नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, सरकार हमारी है
कि हमारी बात सुने और हमारी बात का समाधान करें, हम सम्मान के साथ घर चले जाएंगे। देखिए सरकार हमारी बात सुने, हम बहुत प्यार से और आराम से गाजीपुर बॉर्डर को खाली करके अपने अपने घर चले जाएंगे, ऐसे ही एक इन पहलवान का कहना। तो मेरे साथ एक और पहलवान मौजूद हैं जो किसान भाइयों के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्यों पहुंचे यहाँ पे। जी मेरा नाम अनुज पहलवान है, मुझे मुजफ्फरनगर से है। पीड़ा यह है कि जो अगर हम हमारी खेती नहीं बचेगी तो हम अपनी पहलवानी अपने बच्चों को अपने नस्लें कैसे बचा पाएंगे। एक कहावत है पुरानी, एक घर में एक चूहा रहता एक कबूतर रहता, और जब रह रहे थे तो जो घर का मालिक था वो अपना वो लिया चूहा पकड़ने के लिए, वो कटघर जो रहता है उसे पिंजरा पकड़ने के लिए लिया, उसे पिंजरे को पिंजरा पकड़ने के लिए चूहे को खलबली मच गई। चूहा खलबली जो मची चूहे को, तो कहने लगा भैया, वो गया कबूतर के पास में, कहने लगा भैया वो जो है आपने मेरा इंतजाम कर दिया इन्होंने, तो ना भाई तेरा ही तो इंतजाम हुआ। कबूतर को कहा, सांप रहता मुर्गा रहता चार चीज रहती थी उसमें, मुगा तेरा तो इंतजाम, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। मुगा चल भाई ठीक है झेल लेंगे। तो चूहे को तो पता लग गया, चूहा तो अपने बिलों में बैठ गया। अब वो जो खड़कुसर ने वो लगा रखा था चूहा पकड़ने के लिए, उसमें एक सांप आकर उसमें मुंद गया। तो जो मियाँ थी उसे लगा, जो घर की मालकिन थी, कि भैया तुम्हारे ये हमने चूहा पकड़ लिया है। जो चूहा पकड़ने के लिए जैसे ही उसने हाथ लगाया तो सांप ने उसको डंग मार लिया। सांप के बाद वो झाड़ फूंक के लिए गए तो झाड़ फूंक वाले ने कहा, कहने लगा भाई कबूतर है तुम्हारे घर में, कबूतर है ना, हाँ जी, उसका सूप पिलाओ इसे बना को। कहने लगा ठीक है, चूहा तो बेचारा बैठा देख रहा था काम, आगे कबूतर की मुंडी बुरडी उसे सूप पिला दिया। उसका पता जो लेट आ रहे थे तो उन्होंने कहा भाई जब पता लेट तेरे मेहमान आ रहे, उन्होंने भाई ये मुर्गे की गर्दन काट ला, दावत तो करी दे जब ठीक होगी। वो सूप पिया वो ठीक हो गया, तो वह मुर्गा भी चला गया। मुर्गा चला गया भाई, उसने कहा भाई चलो भाई भगवान ने हमारी अल्लाह मियां ने ठीक कर दी, मैं दावत करूंगा मुझे सबकी। जो बकरा था घर में वो बकरा भी कट गया। यह वह कहावत है, वो चूहा तो बच गया, किसान का कुछ नहीं बिगड़ने का, अपने बच्चों को पाल लेगा वो और सही तरीके से पाल लेगा। लेकिन कबूतर भी गया और भैया चूहा भी मुर्गा भी गया और वो बकरा भी गया, सारी चीज चली जाएंगी। मेरे जो मेरी बात सुन रहे हैं आपके माध्यम से, मीडिया भाई के माध्यम से, मेरी आपसे निवेदन है जो ये हमारी फसल गाँव में खरीदेंगे और उसको अपना लेवी लगा कर उसको पैकिंग अखाड़ा बनने की तैयारी में पहलवान भाई ये सोचकर आए हैं कि यहाँ अखाड़ा बना दिया जाएगा और सभी पहलवानों को बुलाकर लड़ने की प्रस्तुति दी जाएगी, जैसे वहाँ अखाड़े में दी जाती है यहाँ करेंगे, पर वापस नहीं जाएंगे। मैं गाजीपुर बॉर्डर से बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं TV7 News Live। धन्यवाद।